अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करें ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरी मिर्च के पकोड़े की नई रेसिपी लेकर आई हूँ। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और करारे होते हैं। आपको इसकी आवाज़ तो सुनाई दे ही रही होगी कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। हमने भरवा पकोड़े तो बहुत खाए हैं मिर्ची के, लेकिन एक बार आप ये पकोड़े की रेसिपी को बनाकर ज़रूर देखिएगा। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। तो चलिए अब हम इसकी रेसिपी को बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम हरी मिर्च का यूज़ किया है। ये मोटी वाली हरी मिर्च है जिसे हम अचार बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। ये लाइट कलर की भी बाज़ार में मिलती है, लेकिन इससे स्वाद में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप कोई सी भी मिर्ची यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप मिर्ची को कट करके इसे रेडी कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसके ऊपर के भाग को कट करेंगे और बीच से भी एक कट लगाएंगे नाइफ़ की सहायता से। इस तरीके से सभी मिर्ची को हमें इसी तरीके से कट कर लेना है। दोस्तों, हरी मिर्च में बहुत ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, तो ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। इसीलिए हमें खाने में हरी मिर्च का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। ये देखिए, हमने सारी हरी मिर्च को इस तरीके से कट कर लिया है। अब हम एक चम्मच की सहायता से इसके बीच के बीज को रिमूव कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से चम्मच का यूज़ करने से मिर्ची के जो बीज हैं वो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं, आप देख ही रहे होंगे। अब हम इसे लंबे लंबे कट कर लेंगे। इस तरीके से इसके लच्छे तैयार कर लेंगे। सारी मिर्ची को हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। अब मिर्ची रेडी हो चुकी है, इसे हम अलग बोल में निकाल देंगे। ये देखिए कितनी अलग अलग सारी मिर्ची है, बस हमें इसी तरीके से इसे कट करना है। अब हम इसमें एक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं। इसे भी हमने लच्छों के जैसे अलग अलग बिल्कुल कट कर लिया है। ये देखिए, मैंने एक एक प्याज को बिल्कुल अलग कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। ये मैंने 2 चम्मच के लगभग हरा धनिया लिया है बारीक कट करके। साथ ही हमने यहाँ पर 2 चम्मच के लगभग कॉर्नफ्लोर डाला है। इसके साथ ही हम यहाँ पर मैदा यूज़ करेंगे। मैदा हमने 1 चम्मच ही लिया है। इसके साथ हम डालेंगे इसमें चावल का आटा, ये हमने 2 चम्मच यूज़ किया है। अगर कॉर्नफ्लोर ना हो तो इसे केवल चावल के आटे से या मैदे से भी बनाया जा सकता है। इससे भी ये पकोड़े उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अब हम इन सबको अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके हम देख लेते हैं कि सारी मिर्च पर और प्याज पर ये अच्छी तरीके से कोट हो रहे हैं या फिर हमें पानी की आवश्यकता है। हल्की सी ये सब्ज़ियाँ पानी भी छोड़ती हैं, इस कारण से हम पहले इसे अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं ताकि एक अच्छी सी लेयर बन जाए इन सब के ऊपर। अब हम इसमें 1/2 चम्मच डाल रहे हैं जीरा। साथ इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें अजवाइन। अजवाइन हम डालेंगे 1/4 चम्मच और साथ ही हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। हम 1/4 चम्मच ही काली मिर्च का पाउडर का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। अब हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच नींबू का जूस। नींबू का जूस डालने से ये बहुत ही टेस्टी बन जाता है और इसके स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आप चाहे तो अमचूर पाउडर भी डाल सकती हैं, लेकिन नींबू के रस से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। इसे एक बार फिर हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, लगभग 2 चम्मच के लगभग, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सभी चीज़ें अच्छी तरीके से मिर्च के ऊपर और प्याज के ऊपर कोट हो जाए। इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। पानी हमें बहुत ही सावधानी से डालना है, अगर ये थोड़ा सा भी गीला हो गया तो फिर पकौड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे और पकौड़े अलग अलग नहीं रहेंगे। इसीलिए हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके देख लेते हैं। ये देखिए, अच्छी तरीके से ये मिक्स हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच के लगभग बेसन डाल रहे हैं और फिर से 1 चम्मच लगभग पानी डाल रहे हैं और इसे एक बार और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी तले में पानी नहीं है, मतलब ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो रहा है, अच्छे से सारी मिर्च पे ये कोट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तिल, सफ़ेद या काला जो भी हो आप डाल सकते हैं, और स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे। फिर से इसे हम अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर रहे हैं और ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हो, ये बिल्कुल ही मिर्च इसमें अलग अलग है, केवल इसके ऊपर हल्की सी लेयर अच्छे से कोट हो गई है। 20 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से छोड़ देंगे ताकि जो नींबू है वो बिल्कुल मिर्च के अंदर तक के एब्सॉर्ब हो जाए और इसमें हल्की सी एक अंदर तक खटास आए। यहाँ हमने एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख लिया है। यहाँ गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखी है,
क्योंकि तेल अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो लच्छे जल सकते हैं। ये देखिए, हम पकौड़ों को धीरे धीरे एक एक करके इस तरीके से तेल में डालेंगे ताकि हमारे एक एक लच्छे अलग अलग फ्राई हो। थोड़ी देर के लिए हम इसी तरीके से इसे रहने देंगे जब तक कि ऊपर से अच्छी तरीके से पक नहीं जाता है। अब ये हो चुका है, हम इसे पलट के दूसरी तरफ से अच्छे से पका लेंगे। मिर्च के लच्छे बहुत ही जल्दी पक जाते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा गर्म तेल ना करें वरना ये जल सकते हैं। बस इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर हम मिर्च को गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक के तल लेंगे। दोनों तरफ से धीरे धीरे हम पलट कर अच्छी तरीके से तल लेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ी देर में ही लच्छे जो हैं वो अलग अलग होने लगेंगे, मतलब हमारे ये लच्छे तैयार हो चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छा कलर भी आ गया है और बिल्कुल क्रिस्प हो चुके हैं ये। अब हम इसे निकाल लेते हैं तेल से और एक टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्सॉर्ब हो जाए अच्छी तरीके से। बस अब हम इसी तरीके से सारे पकौड़ों को तल लेंगे। तो ये मिर्च के पकौड़े बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और खाने में उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी लगते हैं। तो भरवा पकौड़े तो आपने बहुत बनाए होंगे, इस बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो हमारे दूसरी बार के भी मिर्च के पकौड़े बन के पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं, हम इसे भी निकाल लेते हैं। ये मिर्च के पकौड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं खाने में और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। आपको साउंड तो सुनाई दे ही रहा होगा, आप इसे गर्मा गर्म सॉस के साथ सर्व कीजिए और इसे चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो है ना अच्छी रेसिपी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और एक बार इसे बनाकर ज़रूर देखें। तो दोस्तों, मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हम मिलेंगे नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।